हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम फ्रेज रिप्लेसमेंट की स्टडी करेंगे और ये बैंक क्लर्क और बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस है और इसमें बोल्ड में यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पार्ट दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको करेक्ट करना है और यदि आपको लगता है ये करेक्ट है तो इसमें एक नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका भी ऑप्शन कभी कभी मिलता है। अलग अलग सेट होते हैं इसके, अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें कार्निवोरस मैमल्स कैन इंड्यूर व्हाट वुड अदरवाइज बी लीथल लेवल्स ऑफ बॉडी हीट बिकॉज दे हैव ए हीट एक्सचेंज नेटवर्क विच कैप द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग टू हॉट। अब यहाँ पर ये जो पांच वर्ड हैं, विच कैप्ड द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग, ये बोल्ड जो पार्ट है इसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कार्निवोरस मैमल्स की बात कर रहे हैं और कार्निवोरस मैमल्स के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो क्वालिटी उसके अंदर होती है, वो जो जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक होती है वो उसके अंदर हमेशा होती है। मतलब यहाँ पर हम कार्निवोरस मैमल की जो जो यूनिवर्सल क्वालिटी है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो उसमें हमेशा होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस में यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विच कीप्स होना चाहिए और विच कीप्स के आगे यहाँ पर होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर विच कीप्स की जगह हम दैट कीप्स भी लगा सकते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि फ्रॉम लगा हुआ है तो फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसके बाद गेटिंग का प्रयोग करना सही होगा, क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन के बाद हम जेरेंड फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना होता है। दैट कीप्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग हॉट, मतलब इसमें उनके अंदर एक हीट एक्सचेंज नेटवर्क होता है कार्निवोरस मैमल्स में, जो उनको गर्म रखता है। That keeps the brain from getting hot. तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। Which की जगह हम that लगा सकते हैं और यहाँ पर चूंकि ठीक है, यहाँ पर actually keeps आया है इसमें, क्योंकि keeps इसलिए आया है क्योंकि इसमें heat exchange network जो है ये singular है। ठीक है, heat exchange network जो है ये singular है, इसलिए यहाँ पर keeps आएगा और यहाँ पर हम that लगा सकते हैं। That keeps the brain from getting. तो यहाँ पर आप इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो इस तरीके से इन फ्रेज रिप्लेसमेंट को करना होता है आपको। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी आपसे है, यहाँ पर एक कुछ ग्रामेटिकल पार्ट की नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी वो यहाँ पर आपको दे सकते हैं और इस तरीके से कुछ वर्ड भी आपको दे सकते हैं। तो अलग अलग इसके पैटर्न होते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, ये है दूसरा क्वेश्चन। द कमीशन हैज़ directed the advertiser to restrict the use of the word natural to foods that do not contain color or flavor additives, chemical preservatives or nothing that has been synthesized. तो कमीशन ने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है एडवर्टाइजर्स को कि नेचुरल जो वर्ड है इसको यूज़ नहीं करें। वो यदि आपका प्रोडक्ट सिंथेटिक है, यदि उसमें नेचुरलिटी नहीं है और उसमें सिंथेटिक कलर या फ्लेवर एडिटिव्स हैं, तो नेचुरल वर्ड का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये एथिकली गलत है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर और नथिंग दैट हैज़ बीन के स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं। द कमीशन हैज़ डायरेक्टेड एडवर्टाइजर्स टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ द वर्ड नेचुरल टू फूड दैट डू नॉट कंटेन कलर और फ्लेवर एडिटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव और एनी थिंग दैट हैज़ बीन सिंथेसाइज। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी एक ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है नथिंग। तो डबल नेगेटिव का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो मीनिंग निकलता है वो गलत निकलता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम एनी थिंग का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम एनी थिंग का प्रयोग करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर डू नॉट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी थिंग का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा वो होगा और एनी थिंग दैट हैज़ बीन सिंथेसाइज, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फ्लेवर एडिटिव्स है, जो नेचुरल नहीं है, जिसको सिंथेसाइज किया गया है, उसमें आप नेचुरल वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा कमीशन ने एडवर्टाइजर से बोला है।
तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आपको लॉजिक अप्लाई करना है, आपको थोड़ी सी ग्रामर अप्लाई करनी है और इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आप सही तरीके से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं ये बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में और बैंक पीओ एग्ज़ाम में प्री और मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द आयरोक्विस वर प्राइमरली प्लांटर्स बट सप्लीमेंटेड देयर कल्टिवेशन ऑफ मेज स्क्वैश एंड बीन्स विथ फिशिंग एंड हंटिंग। देखिए यहाँ पर हम क्या आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आयरोक्विस जो थे वो बेसिकली प्लांटर्स थे, प्लांटिंग करते थे, लेकिन उसके साथ ही वो फिशिंग और हंटिंग भी करते थे। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द आयरोक्विस वर प्राइमरली प्लांटर्स although they supplemented their cultivation of maize, squash and beans with fishing and hunting, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए देखिए बट जो क्या है, बट एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, लेकिन although थोड़ा सा वीक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है कि वो ऐसा भी करते थे, ठीक है। बट के थ्रू तो हम एकदम डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि हालांकि वो प्लांटर्स थे लेकिन वो फिशिंग और हंटिंग भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्दो से वाक्य सही बनेगा, द आयरोक्विस वर प्राइमरली प्लांटर्स ऑल्दो दे सप्लीमेंटेड द कल्टिवेशन ऑफ मेज स्क्वैश एंड बीन्स विथ फिशिंग एंड हंटिंग। तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं। एज कंट्रास्टेड विद द हनी बी द येलो जैकेट। अब देखिए एक तो यहाँ पर एक तो हनी बी होता है, मधुमक्खी होती है, और एक है येलो जैकेट। तो हनी बी की तुलना इसमें येलो जैकेट से हो रही है। तो इस पर पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर देखते हैं किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इस कंट्रास्टेड विद द हनी बी द येलो जैकेट कैन स्टिंग रिपीटेडली विदाउट डाइंग एंड कैरीज अ पोटेंट वीनम दैट कैन कॉज इंटेंस पेन। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हनी बी जो होती है, मतलब येलो जैकेट जो होती है वो हनी बी से अलग होती है और वो रिपीटेडली स्टिंग कर सकती है विदाउट डाइंग, बिना मरे वो स्टिंग कर सकती है, डंक मार सकती है, और वीनम उसमें रहता है, जहर जो रहता है जो कि इंटेंस पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से इसको पढ़ें एज कॉन्ट्रास्टेड विद द हनी बी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत, एज कॉन्ट्रास्टेड विद द हनी बी, एक्चुअली लाइक और अनलाइक वर्ड का हम प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। आप जैसे यहाँ देखते हैं एज कॉन्ट्रास्टेड विद, तो फ्रेज गलत है, इन कॉन्ट्रास्ट टू हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम हनी बी की तो येलो जैकेट से कर रहे हैं। हनी यदि इसमें आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हनी बी का जो डंक होता है वो येलो जैकेट के डंक से उसकी हम तुलना करेंगे, तो अपोस्ट्रॉफी एस वाला नहीं आएगा। अब इसमें भी देखिए स्टिंग का बात हुई है, अनलाइक द स्टिंग ऑफ हनी बी, इसमें भी बात हुई है अनलाइक दैट ऑफ द हनी बी। तो यहाँ पर सिंपल जो कंपैरिजन हो रहा है वो येलो जैकेट का हनी बी से हो रहा है। एज कॉन्ट्रास्टेड विद द हनी बी द येलो जैकेट कैन स्टिंग, दोनों ही स्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हनी बी की तुलना हम येलो जैकेट से कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ई जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। Unlike the honeybee, the yellow jacket can sting repeatedly without dying and carries a potent venom that can cause intense pain. तो इस तरीके से इस सेंटेंस बनेगा। इसमें ये काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस आपसे SBI क्लर्क और SBI PO में निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ई, क्योंकि हम हनी बी के डंक की तुलना येलो जैकेट के डंक से नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हनी बी की तुलना येलो जैकेट से कर रहे हैं, इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग इसमें नहीं होगा और दैट ऑफ का प्रयोग भी इसमें नहीं होगा। इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे अनलाइक द हनी बी। क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखते हैं। नन ऑफ द अटेम्प्ट्स टू स्पेसिफाई द कॉजेज ऑफ क्राइम एक्सप्लेन्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपोज टू द अलीज्ड कॉजेज डू नॉट कमिट क्राइम्स एंड कन्वर्सली वाई सो मैनी ऑफ दोज नॉट सो एक्सपोज है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि इसमें एक छोटे से वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें पैरेलल करना है आपको इस सेंटेंस को, चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हम कन्वर्सली बोल रहे हैं कि मतलब एक सिचुएशन में ऐसा होता है और एक दूसरी सिचुएशन में ऐसा होता है, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना होगा,
तो यहाँ पर क्या बोला है आपने, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपोज टू द लीस्ट कॉजेज डू नॉट कमिट क्राइम्स, एंड कन्वर्सली वाई सो मैनी ऑफ दोज नॉट सो एक्सपोज डू। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमने डू नॉट का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने डू नॉट का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर डू नॉट क्राइम की जगह यहाँ पर डू क्राइम आना चाहिए। तो डू क्राइम ना बोलते हुए हम केवल डू बोलेंगे, क्योंकि क्राइम जो है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पर यदि डू नॉट क्राइम है तो यहाँ पर डू क्राइम होना चाहिए, डू प्लस क्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो क्राइम तो अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी सॉ द इमर्जेंस ऑफ प्राइज स्टॉक ब्रीडिंग विद इंडिविजुअल बुल्स एंड काउज रिसीविंग अवार्ड्स फैचिंग अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस एंड एक्साइटेड। अब देखिए यहाँ पर जो एंड के बाद, एंड्स के पहले जो वर्ब आती है वही एंड के बाद आती है। ठीक है, ये पैरेललिज्म का रूल है। तो यहाँ पर चूंकि हमने फैचिंग वर्ड का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हमें एक्साइटिंग वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। फैचिंग, फैचिंग का मतलब क्या है कि वो जो एनिमल्स थे 19th सेंचुरी में, वो अनप्रेसिडेंटेड प्राइस का मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस वो फैच करते थे, मार्केट से लेके आते थे, और एक्साइटिंग इनॉर्मस इंटरेस्ट, और वो एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट, एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जगाते थे लोगों के दिमाग में। देवर पुट ऑन द शो, मतलब उनको शो में रखा जाता था, तो लोगों के दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता था कि इस काऊ में या इस बुल में क्या अच्छी बात है। तो फैचिंग अनप्रेसिडेंटेड प्राइसेस एंड एक्साइटिंग इनॉर्मस इंटरेस्ट, ऐसा वो करते थे। तो चूंकि यहां पर फैचिंग दिया हुआ है, यहां पर हमें एक्साइटिंग बोलना होगा। ठीक है, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ये है नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर मेंबर्स ऑफ द 17th सेंचुरी अशांति नेशन इन अफ्रीका एनिमल हाइड शील्ड्स विद वुडन फ्रेम्स वर एसेंशियल आइटम्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। एनिमल हाइड शील्ड जो थी, वुडन फ्रेम जो थे, वो एसेंशियल आइटम्स थे मिलिट्री इक्विपमेंट के, जो क्या करते थे, जो वॉरियर्स को बचाने का काम करते थे। ठीक है, वॉरियर अगेंस्ट एनिमी एरोज एंड स्पीयर, जो उनके जो तीर होते थे, उनके जो भाले होते थे, उससे वो एनिमल्स को बचाने का काम करते थे। तो यहाँ पर हमें चूंकि इसेंशियल आइटम्स जो दिया है यहाँ पर ये, ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर इसको हमें यहाँ पर इसकी इसकी हमें विशेषता बतानी है, यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ्रेम्स फॉर इसेंशियल आइटम्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स विच प्रोटेक्टेड, ठीक है, विच प्रोटेक्टेड, या तो आप बोल सकते हैं विच प्रोटेक्टेड, आप नहीं बोलना चाहते तो इसके जगह आप बोल सकते हैं, इसकी जगह आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। विच प्रोटेक्टेड के इक्विवेलेंट होगा प्रोटेक्टिंग, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर इसमें सी में दिया हुआ है। तो यदि आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसका मतलब हो जाएगा, वुडन फ्रेम्स वर एसेंशियल आइटम्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोटेक्टिंग वॉरियर्स अगेंस्ट एनिमी एरोज एंड स्पीयर्स, और जो प्रोटेक्ट करते थे एनिमी वॉरियर्स को उनके दुश्मनों के खिलाफ। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोटेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वासर्स, ये एक उसमें होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है क्वासर्स, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंट पर होते हैं। क्वासर्स एट बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स बिलीव टू बी। अब यहाँ पर चूंकि क्वासर्स है जो कि प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर आर होना जरूरी है। क्वासर्स आर बिलीव टू बी, मतलब उनके बारे में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइव फ्लैजलिंग सी ईगल्स जो छोटे से बच्चे थे, लेफ्ट देयर नेस्ट इन वेस्टर्न स्कॉटलैंड दिस समर, ब्रिंगिंग टू 34 द नंबर ऑफ वाइल्ड बर्ड्स सक्सेसफुली रेज्ड सिंस ट्रांसप्लांट्स फ्रॉम नॉर्वे बिगेन इन 1975। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, फ्लैजलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, सी ईगल्स के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उन्होंने नेस्ट को छोड़ दिया जब वो बड़े हो गए, तो और उसके बाद जो नंबर हो गया वाइल्ड बर्ड्स का वो 34 रह गया। तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका किस तरीके से यूज़ होता है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप ये समझिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब दो काम एक साथ होते हैं या एक के बाद एक काम होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये फ्लैजिलिंग सी ईगल्स थे, इन्होंने नेस्ट को छोड़ा, उसके बाद जो नंबर था वो 34 हो गया, ठीक है। ये हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिंगिंग मतलब, और उसके बाद ऐसा हो गया, मतलब इसका मतलब ब्रिंगिंग का मतलब ये है कि दैट ब्रॉट फाइव फ्लैजिंग सी ईगल्स लेफ्ट देयर नेस्ट इन वेस्टर्न स्कॉटलैंड दिस समर, एंड दैट ब्रॉट की जगह आप ब्रिंगिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिंगिंग 234 द नंबर ऑफ वाइल्ड बर्ड्स, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहाँ पर होना चाहिए एक ऑप्शन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड व्हाट कुड बी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अ जाइंट फंगस दैट इज एन इंटरवोवन फिलिग्री ऑफ मशरूम्स एंड रूट लाइक टेंटिकल्स स्पॉन्ड बाय ए सिंगल फर्टिलाइजर स्पोर सम 10,000 ईयर्स अगो एंड एक्सटेंडिंग फॉर मोर देन 30 एकर्स इन द सोल ऑफ मिशिगन फॉरेस्ट। तो इस सेंटेंस में हम एक जाइंट फंगस के बारे में बता रहे हैं जो कि 10,000 साल पहले पैदा हुआ और अभी वो एक्सटेंड कर रहा है, एंड एक्सटेंडिंग फॉर मोर देन 30 एकर्स इन द सॉइल ऑफ मिशिगन में वो 30 एकर्स तक फैल रहा है, एंड एक्सटेंडिंग फॉर मोर देन 30 एकर्स इन द सॉइल ऑफ मिशिगन फॉरेस्ट। तो एक चीज़ हम पास्ट में बता रहे हैं कि ये पास्ट में पैदा हुआ, और प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन ये है कि ये एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सटेंडिंग बोलना यहाँ पर सही है इस सेंटेंस में। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के ये 10 क्वेश्चन मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ पार्ट आपको समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ पार्ट आपको समझ में ना आया हो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स की वजह से। तो इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर, इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल के थ्रू आप बैंक पीओ की, बैंक क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की, और एसएससी एग्ज़ाम की इंग्लिश की और करंट अफेयर्स की भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप कर सकते हैं। ये एक ऑफ़र मैंने चलाया था, अभी भी चल रहा है, इसमें 6 ई-बुक हमने निकाली हैं और इसमें 2,500 वर्ड्स हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आप कवर कर सकते हैं, एंड ई बुक्स को आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पेटीएम के थ्रू भी इन ई बुक्स को आप ले सकते हैं। तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मुझे मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलेगा और तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप लोगों को ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है। और इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।